नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि ब्रिक्स के अंदर चाइना ने रशिया ने मिलकर एक्स को एक्सपेंड करने की बातें बोली और इन्होंने बोला कि भाई अपने आप को बचाने के लिए हमें अब सारी ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर वेस्ट के बीच में और अपनी कंट्रीज के बीच में एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। और वहाँ पर आपको लगता है कि जो इंडियन मॉडल मीडिया है वो बड़े भंगड़े डाल रहा है कि देखिए जी ब्रिक्स बढ़ गया है, अभी वेस्ट की दादागिरी खत्म हो जाएगी। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, सभी के अपने अपने एजेंडाज हैं, सभी एक दूसरे के एडवर्सरीज हैं। चाइना हमेशा भारत को एक दुश्मन कंट्री की तरह देखता है, हम भी उनको वैसे ही दुश्मन की तरह देखते हैं और ये बोलते हैं कि हम सभी मिलकर एक दीवार खड़ी कर देंगे, एक कॉमन वॉल हम खड़ी कर देंगे। कैसे होगा ये? इसको अगर मैटर को थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि कैसे रशिया चाइना दोनों डेस्परेट हैं कि भारत को उनकी साइड पर लेकर आया जाए। और मोदी जी हैं, मोदी जी ने बोल दिया थोड़ी ऐसी तैसी, मैं नहीं सुनूंगा। एंड दोस्तों, यू हैव टू बी रेस्ट अश्योर्ड, मोदी जी वो कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे फायदे का नहीं होगा। उसका एक रीज़न है। इंडियन मीडिया तो बोल रहा है कि ब्रिक्स में देखिए जी एक्सपेंड करके डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन, उसके अंदर डेस्परेट गोल्स हैं सभी के, जो जो नई कंट्रीज आ रही हैं उनके भी, आधे से ज़्यादा कंट्री तो उसमें चाइना के डेट के नीचे दबी हुई हैं और जो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं वो एडवर्सरीज भी हैं, एलाइज भी हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, आपस में एडवर्सरी हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के एलाइज हैं, जानबूझकर वो यहाँ पर आ रहे हैं। ब्रिक्स ने तो दरवाजे खोल दिए 13 न्यू डाइवर्स पार्टनर्स के लिए, टर्की से लेकर थाईलैंड तक इसके अंदर जुड़ रहे हैं। और ये जो ग्रोइंग कलेक्शन है इमर्जिंग इकोनॉमीज की, इससे पता लगता है कि भाई इनकी जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं जिसके कारण ये ब्रिक्स में आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं वो भी आपको समझाता हूँ। ये बड़ी बारीकी चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली बातें हैं। 3 दिन की समिट थी कजान के अंदर और वहाँ पर ब्रिक्स के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक डिक्लेयर कर दिया, रिलीज कर दिया एक डिक्लेरेशन, जहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि भैया पहली बात जहाँ पर इनकी दुखती रग को टच किया है, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उन्होंने जो सेंक्शन किया है रशिया को, ये गलत है। ये क्यों डाला गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना ने भी आगे जाकर ताइवान को या भारत को या जापान को इन्होंने टारगेट करना है, इनको भी वैसे ही सैंक्शन किया जाएगा। इसलिए पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया रशिया को लेकर, भाई 2.5 साल से तो बोले नहीं, अभी एकदम से याद कैसे आ गई? अब आप समझ रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें हम सबक सिखाएंगे। दूसरा ये भी बोल दिया, वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट्स, यानी कि अनलॉफुल वे से आप हमें दबाने की कोशिश करते हैं, इलीगल सैंक्शंस लगाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर आपने दादागिरी करी हुई है, वर्ल्ड इकॉनमी आपने कंट्रोल में की हुई है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हमारे हैं उसके ऊपर आप रोड़े अटकाते हो। ये वेस्ट को बोल रहा है कौन? चाइना और रशिया। चाइना जो सबकी चीज़ों को कॉपी करता है, दूसरों को बोलता है आप डिसरप्टिव काम कर रहे हो। तीसरा एक और काम कर दिया कि जो सैंक्शंस हैं, सैंक्शंस के अंदर रशिया को स्विफ्ट के जो ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम होता है उससे बाहर निकाल दिया, यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वो नहीं कर सकता। रशिया क्रूड ऑयल बेचना चाहता है और उसके क्रूड ऑयल को टारगेट किया गया, ये भी उन्होंने इस ब्रिक्स के अंदर बोला है। दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसके बाद भी रशिया पीछे नहीं हटा, वो एक्सपोर्ट करता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, उसने चाइना और इंडिया को पकड़ लिया, डिस्काउंट पे माल बेच रहा है, यानी कि रशिया का जो टिल्ट है वो वेस्ट की तरफ नहीं है, अभी वो एशिया की तरफ हो गया है। और जो ये फाइनेंस का वॉर है इसीलिए ये ब्रिक्स को एक्सपेंड करने की बात बोलते हैं ताकि वेस्ट की दादागिरी खत्म हो। रशिया खुद डूब रहा है, चाइना डूब रहा है, अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ब्रिक्स का सहारा ले लिया, एक मैकेनिज्म कि वेस्ट को दबाया जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या यूएसए यूरोप जिनकी दादागिरी है क्या वो इसको इतनी आसानी से अपने हाथ से निकलने देंगे? भाई चाइना बोल रहा है रशिया के लिए कि आपके ऊपर जो सैंक्शंस हैं ये गलत है और जो कजान में जो डिक्लेरेशन हुआ है वो इसी कंसर्न को बार बार रिफ्लेक्ट भी करता है और ये किया गया चाइना के कहने पर। मैं बार बार बोल रहा हूँ जैसे मैं किश्ती में बैठा हूँ, ये किश्ती डूबने वाली है, पता नहीं, हो सकता मेरे वेट के कारण हो, चाइना का भी वही हाल है। इसलिए चाइना और रशिया दोनों चाहते हैं कि इस ग्रुप को जिसको ब्रिक्स बोलते हैं इसे एक्सपेंड किया जाए। और इनिशियली तो ये ब्राज़ील और इंडिया को लेकर रशिया और चाइना, ये 4 कंट्रीज़ ने इसको शुरू किया था, बाद में साउथ अफ्रीका को ज्वाइन करवा दिया।
अभी इसके अंदर चार और नए कंट्रीज जोड़ दिए गए हैं, ईरान उसके अंदर है। यानी कि ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस हैं अमेरिका की तरफ से, और आगे जाकर इसके अंदर 13 और पार्टनर स्टेट्स को जोड़ने की बातें होती हैं। अभी तक तो सिर्फ 10% जो ग्लोबल जो जीडीपी है वो इसके अंदर ब्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन थी 10% की। और ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाइना नहीं बोल रहा, ये IMF बोल रहा है। लेकिन अभी जैसे न्यू मेंबर्स जुड़ने शुरू हो गए, इसका शेयर 26% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड ब्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि अब ब्रिक्स को एक्सपेंड कर इसका वेट इतना बड़ा इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके बराबर एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए। G7 हो, G20 हो, इनको भी काट कर ब्रिक्स को खड़ा करने की कोशिश है। ब्रिक्स अभी भी उतना मोमेंटम नहीं है उसका, उसका रीज़न एक ही है, वो है भारत। भारत क्या है? भारत अगर ब्रिक्स का मेंबर है तो क्वाड का मेंबर भी है। क्वाड में हम जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम सिक्योरिटी डायलॉग की बात बोलते हैं, एंड ये चाइना के अगेंस्ट चलता है। और चाइना हमें बोल रहा है कि आप ब्रिक्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्वाड को छोड़ दीजिए, आप भी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, मैं भी सबसे पुरानी सभ्यता हूँ, आइए मिलकर हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाएं, वेस्ट की दादागिरी से बाहर निकले। और ये चीज़ें उन्होंने सिग्नल करी हैं ब्रिक्स के अंदर कि ब्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए आप हमें रजामंदी दे दें। भारत ने रजामंदी नहीं दी है, ब्राज़ील ने भी रिजिस्ट किया है चाइना के एफर्ट्स को कि वो नहीं चाहते हैं कि आप ईरान जैसी कंट्रियों को ब्रिक्स में जोड़ें। रीज़न एक ही है, ये सारी कंट्रियां वो हैं जो चाइना के डेट के नीचे दबी हुई हैं, उससे ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, भारत है, हमारी जो दबदबा है या हमारी जो वोट है ब्रिक्स के अंदर वो कम हो जाएगी। चाइना इसी गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है ब्रिक्स के अंदर। तभी बार बार बोल रहा हूँ, ब्रिक्स का एक्सपेंड करना भारत के फायदे की बात नहीं है, इसलिए मोदी जी ने मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इन कंट्रीज के बीच में, कुछ भी। आप सोच के देखिए, बेलारूस, क्यूबा, ये भी इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वेस्ट के साथ 36 का आंकड़ा है। टर्की है, टर्की जुड़ गया है, लेकिन वो बोलता है कि मैं नेटो की मेंबरशिप को नहीं छोड़ूंगा। टर्की ने बोल दिया कि मैं इकोनॉमिक, मेरी हालत ख़राब है, मुझे कोलैबोरेशन चाहिए रशिया, एशिया से और अफ्रीका से, इसलिए मैं इस ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नेटो को नहीं छोड़ूंगा। यानी कि मिलिटरली उसकी अलाइनमेंट नेटो के साथ है, लेकिन पैसे के लिए ये मुसलमान होते हैं, ये हमारे पास आना चाहते हैं। दूसरी तरफ थाईलैंड देखिए आप, थाईलैंड के अंदर भी उसको, उसकी जो इकॉनमी है डाउन है, आपको मालूम है उसकी जो इकॉनमी है वो 1% आधे परसेंट पे राइज कर रही है जब से कोविड हुआ है, उसकी GDP राइज कर ही नहीं रही, और पूरे एशिया में सबसे स्लोएस्ट लेवल पर उसकी ग्रोथ है। और थाईलैंड की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ब्रिक्स कंट्री को जाते हैं, जैसे राइस है, ऑटोमोबाइल्स है, वो ब्रिक्स के कंट्रीज को, सामान को वो भेजते हैं, और ये अब ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं ताकि वो अपनी कंट्री को और अपनी इकॉनमी को वो रिवाइव कर सके। इनका ब्रिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, अलाइनमेंट वेस्ट के साथ है, लेकिन पैसे के लिए ब्रिक्स में आना चाहते हैं। मलेशिया का भी यही हाल है, उसका जो क्लाउट है उसका इंक्रीज कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में, मुस्लिम कंट्री है वो, और US को हमेशा क्रिटिसाइज करता है कि भाई आप इसराइल में जो कुछ कर रहे हैं, इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम आपके साथ नहीं हैं। इसीलिए मलेशिया भी इसके अंदर एंटर करना चाहता है ब्रिक्स के अंदर। यानी कि ये सारे कंट्रीज़ वो हैं जिनकी वेस्ट के साथ लगती है, और ये ब्रिक्स का मेंबर बनकर यहाँ पर पैसे कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 26% से ज़्यादा की भागीदारी अभी होने वाली है GDP के अंदर। भारत राइज कर रहा है, चाइना डाउन जा रहा है, ये देखिए ये डूब रहे हैं, हम राइज कर रहे हैं। इसीलिए शी जिनपिंग ने बार बार रशिया चाइना के टाइज के ऊपर बात किया, पूरे वर्ल्ड में स्यापा पड़ा हुआ है अमेरिका के कारण, उसको हाईलाइट कर दिया, और ब्रिक्स के अंदर बोल दिया कि आइए मिलकर हम एक दीवार खड़ी करें वेस्ट और ईस्ट के बीच में। शी जिनपिंग ने मोदी के साथ भी हाथ मिलाया है और बोला है कि और जो बॉर्डर के टेंशन है उसे खत्म करते हैं और इस टाइज को आगे लेके जाते हैं इकोनॉमिकली। यानी कि दुनिया सिर्फ इकोनॉमिक फ़ायदा देखती है और कुछ भी नहीं देखती। आसियान कंट्रीज़ को इन्होंने अब ट्रक के नीचे फेंक दिया, आसियान ख़त्म हो गया, अभी ब्रिक्स को आगे लेके जाना है। दोस्तों, ये दुनिया है फ़ायदे की, ये दुनिया है इकोनॉमी की, यहाँ रिलेशनशिप मैटर नहीं करते एनीमोर, ये सिर्फ पैसा देखते हैं। जितनी कंट्रीज़ हैं ये आपस में एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। आप सोच कर देखिए, ईरान आ रहा है,
साउथ जो अरेबिया है सदर, वो भी यहाँ पर आना चाहता है। क्या आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों इकट्ठे मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इसराइल भी आना चाहता है तो इधर से तुर्की आना चाहता है, उधर से मलेशिया आना चाहता है, ईरान भी है। आप सोच के देखिए, सारे एक दूसरे के दुश्मन, कोई दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं और ये बोलते हैं आइए मिलकर हम वेस्ट की दादागिरी को ख़त्म करें। कैसे होगा और क्या वेस्ट इतनी आसानी से अपनी दादागिरी को ख़त्म करने देगा? यही क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं आपके लिए, और आपकी राय क्या है? इंडियन मीडिया तो बड़े भगने डाल रहा है, और देखियो जी डीडॉलराइजेशन हो गया। कैसे हो जाएगा यार, कैसे हो जाएगा, कैसे वेस्ट की दादागिरी आप एक प्लेटफॉर्म में अब ख़त्म कर दोगे? वो भी कौन सी कंट्री, खुद जो सैंक्शनड है, एक कंट्री सैंक्शनड है रशिया और दूसरी डूब रही है, और ये बोलते हैं कि हम वेस्ट की दादागिरी को ख़त्म कर देंगे भारत को साथ में मिलाकर। अब मोदी जी इतनी आसानी से हाथ में आने वाले नहीं हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।